अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया है। इस फिल्म का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। और यही वजह है कि एक फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में शानदार कलेक्शन करते हुए 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें, इस हफ्ते हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम और अल्लू अर्जुन की पुष्पा रिलीज हुई है। दोनों ही फिल्मों का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म मानी जा रही है। फिल्म पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत ली है। फिल्म ने हिंदी मार्केट में 3 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं वर्ल्ड वाइड पुष्पा ने 57 करोड़ 83 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि दक्षिण भारत में अल्लू अर्जुन की फिल्म का बोलबाला है। पुष्पा द राइज का निर्देशन सुकुमार ने किया है। फिल्म का पहला पार्ट रिलीज कर दिया गया है। वही दूसरे पार्ट की बात करें तो इसे साल 2022 में रिलीज करने की तैयारी है। ये फिल्म रेड सैंडलवुड स्मगलर्स के जीवन पर आधारित है। इसमें अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट फहद फासिल और रश्मिका मंदाना मुख्य रोल में नजर आए हैं। फिल्म का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।